नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, गल्फ ऑफ आदेन से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज क्या है, आइए विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने इस बार यूके की एक शिप को निशाना बना दिया है और साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका की एक युद्ध को भी निशाने बना दिया है। आपको बता दूँ कि इन्होंने अमेरिका की शिप को पहली बार निशाने पर लिया है। इससे पहले ये और दूसरे देशों के शिप को निशाने पर लेते थे, बट अमेरिका के शिप को इन्होंने पहली बार निशाने पर लिया है। अमेरिका ने इन हमलों की पुष्टि की है और अमेरिका ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बोल दिया है। अभी तक भी हालांकि अमेरिका और यूके यहूदी विद्रोहियों पर पिछले 15 से 20 दिनों से बहुत ही भयंकर रूप से बमबारी कर रहे हैं, पर इस बमबारी का कोई भी इन पर असर नहीं दिख रहा है। ये दिन पर दिन और भी घातक होते चले जा रहे हैं। बता दें आपको कि हूती विद्रोहियों के अटैक की वजह से कोई भी शिप रेड सी और गल्फ ऑफ आडेन की तरफ से नहीं निकल रही है, जाना बाधित हो गया है और शिप को दूसरे रास्तों से ले जाना पड़ रहा है। हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको तत्काल रोक देना चाहिए, पर अभी इसराइल इस चीज़ के मानने के लिए तैयार नहीं है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि युद्ध अगर नहीं रुकेगा तो हमारे हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। यमन के हूती विद्रोही जब से एक्टिव हो गए हैं तब से ही समुद्री हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शुरुआत में ये सिर्फ रेड सी में हमले करते थे शिप्स के ऊपर, अब इन्होंने पिछले एक महीने से गल्फ ऑफ आदेन की तरफ से भी आने जाने वाले शिप्स के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों के पास से इतना हथियार और इतना फंडिंग कहाँ से मिल रही है? इनको फंडिंग सारी मिलती है ईरान से। ईरान अमेरिका का दुश्मन देश है, ईरान इज़राइल का भी दुश्मन है, इसीलिए उसने इसको रोकने के लिए हूती विद्रोहियों का सहारा लिया है। हूती विद्रोही इसलिए शिप पर अटैक कर रहे हैं कि जिससे दुनिया में एक संदेश जाए और दुनिया के लोग इज़राइल को युद्ध रोकने के लिए विवश करें, पर लगता नहीं है कि इज़राइल इससे मानने वाला है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कोई और अपडेटेड न्यूज आती है तो आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।